इस वीडियो में हम VSTC एग्ज़ाम 8 अक्टूबर 2022 को हुई उसके हिंदी के क्वेश्चनों को हम लेंगे। 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ये GK के क्वेश्चन हैं, राजस्थान GK के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बिरला वर्ग सीमेंट कहाँ है? बिरला वर्ग सीमेंट है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। गढ़वीठली दुर्ग किसे कहते हैं? तारागढ़ दुर्ग को गढ़वीठली दुर्ग कहते हैं, ये अजमेर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बूंदी जिले में है, हाईवे के पास में। राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब हुई? 1955 में। तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको कोई वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। अगला क्वेश्चन है, चालीहा महोत्सव किस से संबंधित है? ये सिंधी धर्म से संबंधित है। सांची पूजन किस में लोकप्रिय है? कुंवारी कन्याओं में सांची पूजन लोकप्रिय है। ग्राम पंचायत का सरपंच अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो ये गांव के जो विकास अधिकारी होता है, ग्राम विकास अधिकारी, उसको संबोधित करता है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किसने किया? विजय सिंह पथिक ने। महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? फागुन कृष्ण त्रयोदशी को। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है कृष्ण क्रांति। कोटा राज्य का संस्थापक कौन है? राम माधो सिंह। ये कोटा राज्य का संस्थापक था। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध हैं। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? भड़ला जोधपुर में है। बाड़मेर सांचौर बेसिन किस से संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़, ये श्रीगंगानगर ज़िले में स्थित है। बालाथल सभ्यता स्थल किस जिले की वल्लभ नगर तहसील में स्थित है? उदयपुर ज़िले की वल्लभ नगर तहसील में है। राजस्थान में रामानंदी संप्रदाय प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? श्री कृष्णदास जी पयहारी को। मारवाड़ रापरगनारी विगत के लेखक कौन है? मोहनोत नैनसी है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? जुलाई 1994 में। राज्य मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है राज्य मंत्रिमंडल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल।
गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य है। बालर राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 18 जनवरी 1999 को। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। जंगल की ज्वाला किसे कहा जाता है? पलाश ढांकवन को कहते हैं। राजस्थान राज्य वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को। महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर का निर्माण कब करवाया? 1927 में। वन रिपोर्ट, यहाँ पे वन रिपोर्ट आएगा। वन रिपोर्ट 1917 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? अलवर जिला। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वादी यंत्र नहीं है? तत् है यहाँ पे, इस जगह पर आएगा तत्। तत् मतलब तार से बजने वाला वाद्य यंत्र नहीं है। तो रावण हत्ता है, कामायसा है, चौतारा है, लेकिन अलगोजा, अलगोजा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा अलगोजा। अलगोजा फूंक से बजता है। कौन सा युग्म में सम्मिलित है? कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पे मल्लीनाथ का मंदिर खड़नाल में नहीं है, कहाँ पे? बाड़मेर में। बाड़मेर। खेराड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो टोंक और भीलवाड़ा में बोली जाती है। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ? बीवी लाल और वीके थापर के नेतृत्व में हुआ था। बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित बिंदु लाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब हुआ? अप्रैल 1919 में। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? महाराणा कुंभा को कहा जाता है। राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। अही छत्रपुर का वर्तमान नाम क्या है? नागौर। कुचामनी ख्याल के प्रणेता कौन थे? लच्छी राम। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध कौन सी कला से है? ब्लू पॉटरी से है। ब्लू पॉटरी जयपुर की है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो यहाँ पे आएगा छावनियां। तो यहाँ पे छावनियां थी, 6 छावनियां थी। पुणे बाड़ा सत्याग्रह का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? पुणे बाड़ा का संबंध था डूंगरपुर प्रजामंडल से। राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? जॉर्ज अब्राहम
गियरसन ने। आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला वेणेश्वर मेला राजस्थान के कौन से ज़िले में है या कौन से ज़िले में भरता है? तो ये डूंगरपुर ज़िले में भरता है। बांसवाड़ा में डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जय नारायण व्यास ने। औरत राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो औरत नहीं, औसतन। तो राजस्थान में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कोटा और बारा ज़िले में। राजस्थान में स्टेट वर्क केमिकल की 3 इकाइयाँ कहाँ स्थापित की गई? डिडवाना में की गई। तो ये थे हमारे एसटीसी के 50 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आपको आने वाला नया वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।